नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग जी में। दोस्तों हम मैथ्स में स्क्वायर की बात कर रहे थे कि स्क्वायर की ट्रिक क्या होती है। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 99 तक के मतलब डबल डिजिट तक के अंकों का जो स्क्वायर है वो कैसे निकालेंगे एक ट्रिक से, वो भी आपकी थी। वही ट्रिक काम करेगी आगे के स्क्वायर में। हालांकि उसमें कवर किया गया था लास्ट वीडियो में, लेकिन वो वीडियो बीच में थोड़ा सा करप्ट हो गया है, तो उसमें जो ट्रिक्स है वो अधूरी आई हुई है। तो एक बार फिर से हम रिकॉल करेंगे पहली ट्रिक को और उससे जानेंगे दूसरी ट्रिक को। तो पहली ट्रिक हमारी क्या थी, मान लीजिए हम 85 के स्क्वायर की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना था, 5 का स्क्वायर करके 25 लिखना था, दहाई के अंक का स्क्वायर करके 64 लिख देना था। जो संख्या प्राप्त हुई उसके इकाई के अंक पे हमको 0 लिखना था। अभी क्या करना है, इकाई और दहाई के अंक का आपस में गुणा, तो 8 का गुणा 5 में 40 आया और जो संख्या प्राप्त हुई उसका डबल कितना हो गया, 80 यहां लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, जोड़ देना है, तो 5 2 2 7। तो इस प्रकार से हमें कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर बहुत ही सरलतम रूप से प्राप्त हो रहा था। तो अभी हम बात करेंगे जो संख्याएं 3 अंक की हो जाती है, मतलब 100 से लेकर के 999 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो उदाहरण देखेंगे हम, सबसे मान लीजिए 125 की अगर हम बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे। इसमें क्या था, एक इकाई का अंक था, ये दहाई का अंक था, ठीक है। अभी क्या करना है, 5 को इकाई का अंक मानेंगे और हम जो दो संख्याएं बची 12 इसको क्या मानेंगे, दहाई का अंक, संयुक्त रूप से इसको दहाई का अंक मानेंगे। अभी क्या करना है, सेम प्रोसेस करनी है, इकाई के अंक का वर्ग 25, दहाई के अंक का वर्ग 144। अगर आपको 12 का वर्ग नहीं मालूम है तो आप इस ट्रिक से निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अभी क्या हुआ, 25 और 144 लिख दिया, इकाई के अंक के नीचे 0, इकाई दहाई का आपस में गुणा किया तो 12 5 60 और उसका डबल किया 120 लिख देंगे, 120 जोड़ लेंगे, 5 2 6 5 1 15 625 ये वर्ग हो जाएगा हमारा 125 का। एक एग्जांपल और देखेंगे, मान लीजिए 857, ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं, 857। तो क्या करना है हमको, इकाई का अंक 7, दहाई का अंक संयुक्त रूप से हमने क्या चुना, 85। अभी गुणा करेंगे तो 7 का कितना आ जाएगा, 49 और 85 का वर्ग मान लीजिए हमने यहां पर निकाल लिया। नहीं मालूम है तो इस ट्रिक से निकाल लेंगे, हमने ये एग्जांपल लिया क्योंकि हमें इसका वर्ग मालूम है तो समय कम लगेगा आपको समझने में, ठीक है। 7 225। अभी क्या करना है कि इकाई दहाई का गुणा करना है और उसका डबल करना है, तो क्या होगा, 7 35 के 5 हासिल 3 और 7 8 56 56 और 3 59, ठीक है। इसका क्या कर देंगे हम डबल, तो आएगा 595 09 1190। तो यहां इकाई के अंक पे 0 लगाया और लिख दिया 0911, टोटल कर लेंगे तो आएगा 4337। तो 7 3 3 4 4 9 ये स्क्वायर होगा हमारा 857 का। तो इस प्रकार से कोई भी एक से लेकर के 10 तक की संख्याएं तो बचपन में पढ़ते हैं जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था, और इसके बाद 11 से लेकर के 999 तक की कोई भी संख्या होगी उसका स्क्वायर हम बहुत ही सरल तरीके से इस सिंपल सी ट्रिक से, मात्र 2 स्टेप फॉलो करने हैं। सेकंड स्टेप आपको माइंड में लर्न हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में आप अगर लिख लेंगे तो हार्डली आपको कुछ सेकंड ही लगेंगे इसका आंसर निकालने में। तो एग्जाम्स में अगर कहीं भी किसी भी संख्या का वर्ग आता है या किसी संबंधित सवाल में उसका वर्ग पूछा जाता है तो आप इस ट्रिक को यूज करेंगे, इस ट्रिक से आप उसको स्क्वायर को निकालेंगे। सो दोस्तों, ये स्क्वायर की ट्रिक आपको कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मैथ्स के वीडियो में वो होगा भिन्न, भिन्नों का जोड़ना और घटाना, उसकी ट्रिक हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम भिन्नों को सरलतम रूप से जोड़ और घटा सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें हमें कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।